किसान भाइयों, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये जो चीज है, ये कमलम है, जिसे अंग्रेजी में आप ड्रैगन फ्रूट के नाम से जानते हैं। इसके बीच में दोस्तों आपको टमाटर की फसल दिख रही होगी। अब ऐसा क्यों दोस्तों? एक खेत से आपको ज्यादा प्रॉफिट लेना हो तो लोग इंटरक्रॉपिंग अपनाते हैं। ऐसे में दोस्तों ये प्लांट का जो लगाया हुआ जो टाइम हो चुका है दोस्तों 8 महीने, अभी तो इसमें कोई फल नहीं आ रहा है। अगर पूरी तरह से फल की बात किया जाए तो करीब 2 साल में इसकी भरपूर फल आते हैं। अब 2 साल तक तो हम अपने खेत को खाली छोड़ नहीं सकते। ऐसे में दोस्तों हमने इंटरक्रॉपिंग का सहारा लिया। ये दोस्तों हम जो आए हैं बिलासपुर के कोटा शहर में आए हैं। यहाँ दोस्तों विष्णु सर से मिलेंगे, अग्रवाल फार्म के ऑनर हैं, और पूरी A to Z पूरी टेक्निकल जानकारी देंगे कि इस फार्म को खर्च लगाने में कितना खर्चा है, प्लांट का पूरा खर्च क्या था, स्ट्रक्चर को खड़ा करने में क्या खर्चा है, और दोस्तों इंटरक्रॉपिंग करने का क्या पूरा मकसद है, क्या क्या लगा सकते हैं, कब कब लगा सकते हैं, पूरी जानकारी A to Z जानकारी मिलेगी। तो वीडियो पे बने रहें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आइए और सर से मिलिए, पूरा फार्म विजिट करके जाइए। करीब 25 से 30 एकड़ में पूरा ये फार्म है, जिसमें आपका टमाटर लगा हुआ है, आपका ड्रैगन फ्रूट लगा है, ग्वावा लगा हुआ है, और भी बहुत सारी रोमांचक चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे साथ विष्णु सर जुड़ चुके हैं और विष्णु सर इस पूरे फार्म को संचालित करते हैं, A to Z पूरी जानकारी देंगे। तो सर सबसे पहले तो प्रणाम जी। और जितने भी लोग सामने से देख रहे हैं उसको आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं विष्णु अग्रवाल करी रोड कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ये ड्रैगन फ्रूट मैंने 5 एकड़ में लगाया हुआ है जी। इसको जब लगाया था मैंने, हाँ, इसको मार्च में लगाया था, हाँ, उसके बाद इसमें मैंने गर्मी से इसको बचाने के लिए इसमें स्वीट कॉर्न की फसल ली। अच्छा, जब लगाए थे सब तब? हाँ, तो मेरे को एक स्वीट कॉर्न की फसल मिल गई। हाँ, और दूसरा क्या, पौधे से पौधा ये जो है, हाँ, ये एक पोल से पोल 8 फीट में लगा हुआ है जी, और रो से रो जो है ये, हाँ, बीच में ये 10 फीट में लगा हुआ है। अच्छा, मतलब एक ड्रैगन फ्रूट से दूसरे ड्रैगन फ्रूट की दूरी। हाँ, सर हाँ, हाँ, तो 5 फुट में बीच में मादा बना करके, हाँ, मैंने इसमें करेले की फसल ली थी इससे पहले जी, और अभी ये टमाटर की, क्योंकि क्या है ड्रैगन फ्रूट तो मेरे को 1.5-2 साल में फल मिलना शुरू होगा। हाँ, इस बीच मेरे को जो ये खर्च वर्च जो भी लगना है, हाँ, उसकी आमदनी के लिए मैं ये बीच में जो है ये फसल ले रहा हूँ। ये तो बातें थी कि सर ने अपने इस खेत में क्या कर रखा है। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों ये ड्रैगन फ्रूट को लगाने का स्ट्रक्चर से लेके पूरे प्लांट का क्या खर्चा आता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सर ये बताइए, इस पिलर को देख रहा हूँ सर, बहुत ही ज्यादा टेक्निक से बनाया गया, और इसका जो मुझे लग रहा है ये ज्यादा वेट रोकता होगा सर, और ज्यादा मुझको मजबूत भी दिख रहा है सर। तो इसका खर्च क्या है और कितने प्लांट आपने इसके चारों तरफ लगाया है? ये पोल है जो सीमेंट का, ये 8 फुट लंबा है, हाँ, ये 3 फुट नीचे गड़ा हुआ है, 3 फुट नीचे गिरा हुआ, 5 फुट ये ऊपर है जी। ये मेरा 32 रुपये स्क्वायर फीट में आया था उस समय, हाँ, और ट्रांसपोर्टिंग अलग आया था रायपुर से, 35 रुपये एक पोल का खर्च, हाँ, और 32 रुपये स्क्वायर फीट में, हाँ, और 260 रुपये की चक्री आई थी ऊपर वाली, ओके, ऊपर वाली चक्री, और इसमें एक खंभे में 4 पौधे लगे हुए, तो 30-30 रुपये के एक एक पौधे, एक रुपए के 30-30 एक पौधे 30 रुपए के, 30 रुपए के। अब सर 1 एकड़ में कितना पोल और कितना प्लांट लग जाएगा, कितना पोल लग जाएगा सबसे पहले तो आप ये बताइए। 1 एकड़ में 500 पोल लगे हुए हैं मेरे, ये 8x10 में, हाँ, 500 पोल 1 एकड़ में लगे हुए, पूरे 1 एकड़ में करीब 500 पोल लगे हुए हैं, 2000 पौधे। अच्छा, एक मतलब पोल के चारों तरफ जी चार पौधे लगते हैं सर। अब इसके बाद ये तो रही सर आपके पोल और ट्रांसप्लांटिंग का खर्चा। अब सर ये बताइए, इसमें मैं देख पा रहा हूँ ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ, तो सर ड्रिप इरिगेशन एकदम कंपलसरी है जी? ड्रिप से क्या है, अपन जब चाहे इसको पानी बहुत कम लगता है। अच्छा, इसलिए अपन इसमें ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास डिकम्पोजर वगैरह ड्रिप से देते रहते हैं, और इसके अगल बगल में ये बर्मी कम्पोस्ट गोबर खाद, हाँ, ये सब देते हैं, मतलब इसमें रासायनिक खाद अपन नहीं दे रहे हैं। हाँ, ठीक। तो ये थी चीजें कि आप ट्रांसप्लांटिंग में आपको कितना खर्चा आ रहा है, ये इस पोल का क्या खर्चा है, इस प्लांट का क्या खर्चा है। अब सर ये बताइए, आपने जैसे मुझे बताया कि इसमें आप इंटरक्रॉपिंग किए हैं, तो सर इंटरक्रॉपिंग करने का मेन पर्पज क्या था और कौन कौन सी हम लोग फसल इंटरक्रॉपिंग के तौर पर ले सकते हैं? आइए सर, इसमें क्या है, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अभी अपन ने करेला लगाया था, करेले में अपने को खर्च मिल गया, हाँ, अब ये सीजन ठंड का आ गया तो हमने टमाटर लगा दिया जी। तो टमाटर से क्या है, हमारा जो है 1 एकड़ में, हाँ, करीब करीब 50-60 टन टमाटर निकल जाता निकल है। जाएगा, हाँ, और बीच में अभी इसमें अपन जो है बीच में सर भी काफी है, ज्वार लगाने का विचार है, देख सकते अगले बार ये स्वीट कॉर्न लगाए थे उसका छूट है, ये स्वीट कॉर्न लगाए थे, इस बार क्या है स्वीट कॉर्न से थोड़ी इल्लियां ज्यादा आती है, मीठा ज्यादा होता है, इस बार इसमें अपन ज्वार लगा देंगे, हाँ, जो चारा काम भी आएगा और बीज भी मिल जाएगा। तो सर आपको कहाँ से आइडिया आया कि हमें अपने इस एरिया में ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहिए? क्या यूट्यूब में देख करके, हाँ, हम देखे कि भाई दूसरे स्टेट में हो रहा है, हाँ, तो हम भी इसको कोशिश करें, हाँ, हमने 4-5 एकड़ में ही लगा दिया है।
वैसे दोस्तों अगर आपके पास जगह खाली हो और आप चाहते हैं मैनेजमेंट कम करना, तो ड्रैगन फ्रूट आप जैसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें मैनेजमेंट की आपको जरूरत है। और सर और कुछ बताइए सर, इसमें कुछ टेक्निकल हो कि जो किसानों को अप्लाई करना चाहिए, जैसे इसको कब ग्रो करना चाहिए, कब इसकी ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए सर, ऐसा कोई चीज़ सर? इसको क्या है, फरवरी मार्च में करेंगे हाँ, ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, फरवरी मार्च में करना ज्यादा सही रहता है, फरवरी मार्च में हाँ, या फिर अपन जून में करें लास्ट हाँ, मतलब ज्यादा गर्मी रहे न रहे, ज्यादा ठंड न रहे हाँ, जैसे दिसंबर जनवरी में अपन नहीं कर सकते, जैसे अभी का जो महीना है अभी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, दो महीने बाद, मतलब अभी नहीं कर सकते, दिसंबर अभी ठंड ज्यादा है, तो अपन इसको फरवरी मार्च में कर सकते हैं, फरवरी मार्च में, या फिर उधर जून जुलाई में जिसमें बारिश होती है उस समय कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, गड्ढा करके एक एक चारों तरफ हाँ, उसमें गोबर खाद वगैरह भर देते हैं हाँ, उसके बाद ये चार चार पौधे एक एक फूल में लगा देते हैं और धीरे धीरे बांध के इसको अपन जो ही रिंग तक पहुंचाते हैं हाँ, इसमें बीच बीच जो ब्रांच आती है उसको काट के गिराते रहते हैं। अच्छा, मतलब जो बीच बीच में अगर कोई ब्रांच आ गई तो उसको काट के आप गिरा देते हैं छतरी को, इस चक्री के ऊपर जाने से हाँ, उसके बाद जो ब्रांच आती है उसको नहीं काटते। ओके, ऐसे हो जाता है ऐसे, है ना, हाथी सूंड के जैसे एकदम पूरे लटक जाते हैं। ठीक, अब सर एक और चीज ये बताइए, इसमें आप पानी कब कब देते हैं और कौन कौन सा खाद देते हैं? नहीं, इसमें खाद तो अपन ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास ये अपन ड्रम में बना बना के हाँ, उसको देते रहते हैं हाँ, और पानी इसको जो है ठंड में हफ्ते 10 दिन में एक बार जी, बारिश में तो पानी की जरूरत ही नहीं हाँ, गर्मी में जो है भी इसको पानी कम देंगे हाँ, क्या है, ज्यादा पानी देंगे तो इसकी ये सब मुलायम हो जाएंगी हाँ, और जिसमें सूर्य के प्रकाश से उसमें जलन आ जाएगी, इसलिए पानी जब बहुत ज्यादा मांगेगा हफ्ते हफ्ते में इसको गर्मी में भी इसको पानी अपन देंगे जी। सर ये बताइए, अगर किसी किसान भाई को प्लांट मंगाना हो तो सर आपसे मंगा सकते हैं या फिर आपका कोई सोर्स ऐसा जहां से वो प्लांट मंगा सके? नहीं, रायपुर अभी जो है जिस हमने प्लांट लिया था सीबी हाँ, नर्सरी है हाँ, बिलासपुर रायपुर में हाँ, उससे प्लांट लिया था हाँ, हमारे पास, तो 2 साल के बाद में ही इससे प्लांट तैयार होगा जी। अभी अपने को 8-10 महीना हो रहा है हाँ, तो जून जुलाई से अपना इसमें फ्लावरिंग आने का है, उसके बाद जब मेच्योर्ड हो जाएगा उसके बाद इससे अपन प्लांट तैयार कर सकते हैं जी। अब किसान भाइयों अब बात करेंगे कि ये टमाटर, टमाटर में देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार इसमें फ्रूटिंग आई है, अभी भी लगातार फ्रूटिंग चली रही है, फ्लावरिंग इसमें चली है, जैसे ये देख सकते हैं दोस्तों फ्लावरिंग। अब इसमें कुछ और टेक्निकल चीजें हैं कि इसमें स्टैकिंग किए हुए, क्योंकि दोस्तों कुछ टमाटर के नेचर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे विग्रस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर की ओर जाते हैं, तो इसको ऊपर की ओर करने के लिए क्या किए दोस्तों, स्टैकिंग किए हैं और इसको रस्सी से बांधे हुए हैं कि इसका जो ग्रोथ हो, इसका जो बढ़वार हो वो ऊपर की डायरेक्शन में हो और जिससे कि हमें फ्रूट का साइज से बढ़िया मिल सके दोस्तों। तो आज की वीडियो में ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड जानकारी थी, जिसमें ड्रैगन फ्रूट के साथ इंटरक्रॉपिंग में टमाटर लिया गया और भी क्या क्या चीजें आप ले सकते हैं दोस्तों। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय।